हेलो फ्रेंड वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम जो कि होगा एनिमल किंगडम से जितने भी एनिमल किंगडम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछे गए नीट एग्जाम में आज हम उनको डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स निम्नलिखित में से हॉर्स हॉर्स जो है उसका ऑर्डर क्या है ये क्वेश्चन है ऑप्शन ए क्या है पेरिसोडेक्टाइला ऑप्शन बी है केबेलश ऑप्शन सी है फेरस एंड ऑप्शन डी क्या है कि इक्वेडी तो इसका आंसर होगा ए पेरिसोडेक्टाइला जो होता है ये हॉर्स का क्या होता है ऑर्डर होता है और जो यो इक्विडाई जो है ऑप्शन डी जो है इक्विडाई जो ये शो करता है इसकी फैमिली को किसको शो करता है फैमिली को एंड जो ये कैबेलस जो है ये शो करता है इसकी सब स्पीसीज को किसको सब स्पीसीज को एंड फेरस शो करता है फेरसो तो है ये सो करता है स्पीसीज को तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो हॉर्स का जो ऑर्डर है उसको वो क्या है पेरिसो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का है इन केस ऑफ पोरी दी स्पन्जोसील इज लाइंड विद फलेजेटेड सेल्स आर कॉल्ड क्वेश्चन क्या है कि जो फॉरिफेरा जो होते हैं उनकी जो सील्स कैविटी जो होती है वो क्या है कि फ्लेजलेटेड युग सेल्स से क्या होती है कवरिंग होती है या उनसे लाइनिंग बनी होती है उनकी तो वो कौन सी सेल्स हैं तो ऑप्शन ए क्या है कि ओस्कुला ऑप्शन बी है कोइनोसाइट्स ऑप्शन सी क्या है कि मिजेन काइमल सेल्स ऑप्शन डी है ओस्टिया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसाइड्स सेल्स इनोसाइड सेल्स जो होती है वो स्पॉन्जो सेल्स जो है उसकी लाइनिंग को बनाने में हेल्प करती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थोपोडा कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर है जो फाइलम आर्थोपोडा का नहीं है ऑप्शन ए क्या है कि पेरापोडिया ऑप्शन बी है जॉइंटेड अपेंडेज, ऑप्शन सी है कार्टेनेशन एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन डी क्या है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो ये पेरापोडिया जो है ये देखने मिलता है हमको मोलास्का में किसमें मोलाश का में हमको देखने मिलता है और यह मोलाश का में हेल्प करता है स्विमिंग में किस में स्विमिंग में हेल्प करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि जो पेरा पोडिया जो है ये ओरसो का फीचर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बिच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू दिस सेम फाइलम निम्नलिखित में से वो कौन से एनिमल से जो सेम फाइनल से बिलोंग करते हैं यानी सेम फाइनल में जो सेम फाइनल है कि उसमें प्रेजेंट है होते हैं तो ऑप्शन ए क्या है कि प्रोन स्कॉर्पियोन और लोकस्टा ऑप्शन बी क्या है कि स्पॉन्जी सी एनिमोन स्टारफिश ऑप्शन सी है मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा और मॉस्किटो ऑप्शन डी क्या है कि अर्थवर्म पिनवर्म एंड टैपवर्म तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो पर्ोन और और पोनोलोकस्टा जो है ये इंक्लूड होते हैं औरपोडा में किसमें औरपोडा में इसके अलावा स्पॉन्जिश से ये पोरीफेरा फाइलम में आता है सी एनिमोन जो है ये क्या किस कौन से वाले में आते हैं सिलेंट्रेटा वाले में और स्टार फिश जो आता है ये आता है इकाइनो डॉर्मेटा वाला फाइलम में तो ये तो क्रोम हो गया देन अब सी वाला मलेरिया पैरासाइट ये होता है प्रोटोजोआ और अमीबा और मॉस्किटो मॉस्किटो किस में आता है ये आता है औरपोडा में तो ये भी क्या होगा रॉन्ग देन अर्थवर्म आता है एनालिडा में और पिनवर्म जो आता है ये आता है एच के हेलमिनतीज में और टैप वर्म आता है प्लेटी हेलमिनतीज में तो ये भी इसका रॉन्ग ये भी रॉन्ग हो जाएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉन स्कॉर्पियोन एंड लोकस्टा जो है ये आते हैं ऑर्थोपोडा में इसका आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन के को और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हियर ऑकर इन ऑल मैनमल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ यानी कि जो हेयर्स जो होते हैं सभी मेमल्स में क्या है पाए जाते हैं निम्नलिखित में से वो किस में नहीं पाए जाते हैं तो ऑप्शन ए क्या है कि या ऑप्शन बी क्या है कि चिरोप्टेरा ऑप्शन सी है प्राइमेटा एंड ऑप्शन डी क्या दिया है आपको सिटेसी क्या दिया है सिटेसी तो जो मेमल्स जो है उसका जो ये ऑर्डर जो होता है सिटेसी सिटेसी जो ऑर्डर होता है इसमें क्या है कि एक्वाटिक जो मेमल्स है वो शामिल होते हैं जैसे बेल या डोल्फिन और इन पर क्या है कि हेयर्स जो होते हैं वो क्या है एबसेंट होते हैं इनकी जो सरफेस जो होती है इनकी बॉडी की जो सरफेस होती है उस पर क्या है कि हेयर एब्सेंट होते हैं तो सिटेसी जो ऑर्डर है मेमल्स का मेमलिया का तो इसमें क्या है कि हेयर क्या है इसमें एबसेंट होते हैं इसका आंसर होगा डी सिटेसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्ड वर्टिब्री आर जो पक्षी जो होते हैं उनकी वर्टिबरी होती है तो पक्षियों की जो वर्टिबरी होती है वो होती है हेट्रोसिलस कैसी होती है हेट्रोसिलस टाइप की हेट्रोसिलस टाइप की यानी कि विषम गर्ति होती है और मेमल्स में जो होती है वो होती है एसीलस किस टाइप की होती है एसिलस इसका आंसर होगा बी हेट्रोसिलस नेक्स्ट क्वेश्चन की को ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिट ऑफ किंगफिशर आर मॉडिफाइड फॉर जो किंगफिशर के फिट होते हैं यानी पात जो होते हैं वो किस में मॉडिफाइड होते हैं तो ऑप्शन ए क्या है कि वेडिंग ऑप्शन बी है परचिंग एंड ऑप्शन सी क्या है कि रनिंग ऑप्शन डी है कैचिंग तो इसका आंसर होगा वेडिंग किंग फिशर के जो फिट जो होते हैं जो पार जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं वेडिंग वेडिंग का मीनिंग क्या है जो पानी पानी जो होता है वाटर में चलने के लिए क्या है वो मॉडिफाइड होते हैं वो जो जो वाटर जो होता है उसमें क्या है चलने के लिए मॉडिफाइड होते हैं वेडिंग का मीनिंग है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और परचिंग के मीनिंग क्या होता है कि शिकार के लिए मोडिफाइड होना रनिंग के मीनिंग क्या होता है कि दौड़ने के लिए मॉडिफाइड होना और कैचिंग के लिए मतलब क्या है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होना तो किंग के जो फिट जो है पाद जो है वो वेडिंग के लिए मॉडिफाइड है, होते हैं तो इसका आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टाई टाइफिलोप्स इज यानी कि टाईफिलॉप क्या है ऑप्शन ए है सी स्नैक ऑप्शन बी है ग्लास स्नैक ऑप्शन सी क्या है कि ब्लाइंड स्नैक एंड ऑप्शन डी क्या है कि ग्रास स्नैक तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड स्नैक जो टाईफिलाप्स जो होता है वो होता है ब्लाइंड स्नैक और ये होता है नॉन पॉइजनस कैसा होता है नॉन पॉइजनस स्नैक होता है इसमें क्या है कि जहर क्या होता है वो एप्टेंट होता है आंसर होगा सी जो जो होता है वो होता है ब्लाइंड स्नेक यानी कि अंधा नेक्स्ट क्वेश्चन ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूथीरियंस आर करेक्टराइज बाई जो यूथीरियन है उनका लक्षण क्या है ऑप्शन ए हेयरी स्किन ऑप्शन बी है ट्रू प्लासेंटेशन ऑप्शन सी क्या है कि ओ ओवा बीवी प्रेटी एंड ऑप्शन डी है ग्लेंडुलर स्किन तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनमें क्या है कि ट्रू प्लान सेटेंशन पाया जाता है जो एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट होता है प्लासेंटर के अंदर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिश बॉर्न ऑफ बर्ड्स इज फ्रॉम जो बर्ड्स की बिश बिश जो होती है वो कहाँ पर होती है तो ऑप्शन ए है पेल्विक ग्रिडल ऑप्शन बी क्या है कि इस ऑप्शन सी है हिंड हिंडलिम्ब्स एंड ऑप्शन डी क्या है कि पैक्टोरल ग्रिडल या कलेबिकल्स जो बर्ड्स जो होते हैं उसमें क्या है कि टू कलेबिकल्स क्या है कि टू कलेबिकल्स जो होते हैं वो इंटर केलेबिकल से फ्यूज होते हैं क्या इंटर कलेबिकल से फ्यूज होते हैं और एक फोर्क जैसा यानी एक चिमटा जैसा कि सर स्ट्रक्चर वो बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम बिस बोन या उसको फोरकुला भी बोलते हैं बिस बोन को हम क्या बोलते हैं फोरकुला उसको हम फॉर्कुला भी बोलते हैं और इस बिशबोन को हम बोन ऑफ मेरी थॉट क्या बोलते हैं इस बिशबोन को हम बोन ऑफ मेरी थॉट क्या बोलते हैं बोन ऑफ मेरी थॉट भी इसको बोलते हैं यानी कि अच्छे विचारों वाली बॉन्स यानी अच्छे विचारों वाली अस्थि इसको हम बोलते हैं जो बिश बॉन्स जो होती है और ये होती है पैक्ट्रोल गिडल एंड क्लेबिकल्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू जो फ्लाइट मसल्स जो होती है बर्ड्स की वो किससे अटैच होती है ऑप्शन ए क्या है कि क्लेबिकल ऑप्शन बी है कील ऑफ स्टर्नम ऑप्शन सी क्या है कि स्केपला एंड ऑप्शन डी क्या है कि कोराकोइड तो इसका आंसर होगा जो फ्लाइट मसल जो होती है बर्ड्स की वो अटैच होती है कील ऑफ स्टर्नम से किससे कील ऑफ स्टर्नम से इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच एंड मेमल्स आर सिमिलर इन हैबिंग यानी कि जो कॉकरोच एंड मेमल्स जो होती है उसकी ट्रेकिया में जो, जो हो, तो सिमिलर हो जो, जो होती है वो क्या होता है ऑप्शन ए पियर्ड नेचर्स ऑप्शन बी क्या है कि नॉन कोलेप्सिबल वॉल्स एंड ऑप्शन सी है सीलेटेड इनर लाइनिंग ऑप्शन डी है ओरिजन फ्रॉम हेड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन कोलेप्सिबल वॉल्स जो ट्रेकिया जो होती है कॉकरोच एंड मेमल्स में वो हो क्या होती है नॉन कोलेप्सिबल वॉल्स तो इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि लार्वल स्टेज ऑकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप निम्न निम्नलिखित समूह में वो कौन से मेंबर्स हैं जिनमें लार्वल जो स्टेज है वो पाई जाती है तो ऑप्शन ए कह दिया है कि फ्रॉग लिजार्ट एंड कॉकरोच ऑप्शन भी है एच हाउस फ्लाई एंड फ्रॉग एंड ऑप्शन सी कह के हाउस फ्लाई अर्थवर्ब एंड मॉस्किटो ऑप्शन डी कहे की बटरफ्लाई फ्रॉग और मॉस्किटो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बटरफ्लाई फ्रॉग एंड मॉस्किटो बटरफ्लाई जो होती है इसके अलावा को बोलते हैं कैटर पिलर फ्रॉक के लाव बोलते हैं हम टैडपोल एंड मॉस्किटो जो होता है इसके अलावा को बोलते हैं रिगलर क्या बोलते हैं रिग लर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन कौर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनुअल माइग्रेशन डज नॉट ऑकर इन दैश ऑफ जो एनुअल माइग्रेशन यानी कि वार्षिक जो उत्प्रवासन जो होता है वो किसमें ओकर नहीं होता किस में नहीं पाया जाता है तो आर्कटिक टर्न जो होते हैं सालमोन और साइबेरना क्रेन जो होते हैं ये भोजन या मौसम परिवर्तन के दौरान क्या है ये इसमें माइग्रेशन पाया जाता है तो जो सेलमेंडर जो है जो एक एम है इसमें एनुअल माइग्रेशन क्या होता है एप्सेंट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग यानी कि आप न्यू न्यूज से क्या देखेंगे कि सेक्स को यानी मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए तो क्या है, है कि फीमेल एस्केरेसिस शार्पली करडू पोस्टर एंड वे बिल्कुल रॉन्ग है एंड बी क्या है कि मेल फ्रॉग ए कॉपोलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हैंड हैंडलिम ऑप्शन सी क्या है कि फीमेल कॉकरोच एनल सर्की एंड डी क्या है कि मेल शार्क तो इसमें क्या कि क्लेपर्स बोन ऑन पेल्विक फिन ये बिल्कुल राइट है जो मेल शार्क जो होता है उसमें क्या है जो पेल्विक फिन जो होता है उसमें क्या है क्लेपर्स पाए जाते हैं तो इसका आंसर होगा डी तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी करैक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टेरिया आर्स जो क्लास रेप्टेलिया है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है तो रेप्टेलिया जो होते हैं वो उनकी बॉडी जो क्या होती है उनकी बॉडी होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है और उनके जो स्कल्स जो होते हैं उसकी बॉडी पर क्या है प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो क्या होता है एबसेंट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन स्कल्स ओवर दी बॉडी आर एपिडर्मल दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट ऑप्शन ए क्या है कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि वेंट्रल सीएनएस और ये इसके लिए क्या दिया कि लीच एंड बी क्या देखिए फेरेंजियल गिल्स एब्सेंट इन एमरियो ये क्या दिया कि कैमिलियन और सी क्या है कि वेंट्रल हार्ट और स्कॉर्पियन एंड है कि पोस्ट एनल टेल और एक इसमें दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो वेंट्रल सी एन एस जो होता है वो लीच में प्रेजेंट होता है तो ये बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्टोरस इज यानी कि नेक्टोरस क्या है ऑप्शन है ए क्या है कि हेलबैंडर ऑप्शन बी क्या है कि कॉन्गो इल एंड सी क्या है कि मड़ पापी एंड डी क्या है कि ब्लाइंड वर्म इसका आंसर होगा सी जो नेक्टोरस जो है ये क्या होता है मड़ पापी और ये क्या है एक एम्फीविया क्या है एम्फीविया तो इसका आंसर होगा सी और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फायर बेलिट टॉड इज जो फायर बेलिट टॉड है वो क्या है ऑप्शन ए क्या है कि एम ऑप्शन बी क्या है कि बॉम्बिना एंड सी क्या है कि नेक्टोरस एंड डी एस सेलामेंडर तो फायर बेलिड टोड जो होता है ये होता है एम्फ्यूमा क्या होगा एम्फ्यूमा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बुड बोरिंग मोलास का या शिप वर्म इज जो बुड बोरिंग मोलास या शिप वर्म है वो किस में आता है ऑप्शन ए क्या है कि चिटोन ऑप्शन बी है टेरिडो एंड ऑप्शन सी क्या है कि लीमैक्स ऑप्शन डी क्या है कि पटेला तो इसका आंसर होगा बी जो वुड बोरिंग मोलास का या सिपर्म हम उसको बोलते हैं तो ये आता है टेरिडो में इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केच एंड रेज बिकॉज तो क्या दिया है कि जो शार्क और डॉग फिश जो है वो अपने किस प्रकार से डिफर होती हैं ऑप्शन ए क्या है कि गिल गिल्सिलिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड ऑप्शन बी क्या है कि हेड एंड ट्रंक आर वाइंड कॉन्सिडरबली एंड सी क्या है कि डिस्टिंग डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल एंड डी क्या है कि देयर पैक्टोरल फिंस डिस्टिंगली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलेंडिकर बॉडीज तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर पैक्टोरल फिंस डेस्टिनेटली मार्क् ऑफ फ्रॉम सिलेंड्रिकल बॉडीज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिल्क थ्रेड इज ऑप्टेंड फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूरिंग यानी जो सिल्क मॉथ है उसके उससे हम सिल्क थ्रेड को कब ऑप्टेन कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा लार्वल स्टेज जो सिल्क मौज की लार्वल स्टेज होती है उस टाइम क्या है हम जो सिल्क थ्रेड जो होता है धागा जो होता है उसको हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टार फिश बिलोंग्स टू स्टार फिश किससे बिलोंग करती है स्टार जो होती है, होती है इकाइनो डरमेटा फाइलम की और इकाइनो में ये प्रेजेंट होती है एस्टीरियोडिया में किसमें एस्टीरियोडिया में, एस में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आई ऑफ द मोलास्कन ग्रुप डेट रिजेंबल वर्ट्रीबरी आई इज क्वेश्चन क्या है कि कौन वह कौन सा मोलास्का का, का ग्रुप है जिसमें आई प्रेजेंट होती है जैसे इस प्रकार होती है जैसे वर्टिब्रेट की आई के समान वो होते हैं तो ऑप्शन ए क्या दो आई की बायोलबिया ऑप्शन बी क्या है कि गैस्ट्रोपोडा एंड सी क्या है कि पैलिशी पोडा एंड सी डी क्या जो है कि सीपेलो पोडा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो सीपेलो पोडा है इसमें क्या है कि जो यह मोलास्का जो हैं इनमें ऐसी इस प्रकार से आई प्रेजेंट होती है जैसे वर्टिब्रेट के वर्टिब्रेड जो होते हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं है, है, उनकी आई के समान दिखाई दे तो सीपेलो पोडा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑक्टोपस ऑक्टोपस इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एडल्ट क्यूलैक्स एंड एनाफिलीज कैन बी डेस्टिनेगेस्ट विद द हेल्प ऑफ यानी कि जो एडल्ट क्यूलैक्स एंड एडल्ट जो एनाफिलीज है इनको हम किस प्रकार से डिफरेंट कर सकते हैं इसमें किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं तो जो एडल्ट क्यूलैक्स और एनाफिलीज जो है इनकी जो सीटिंग पोस्टर जो होता है जो बैठने का जो तरीका जो है इनका उनके आधार पर हम इसके जो एडल्ट जो क्यूलेक्स है उसको हम इनमें अंतर कर सकते हैं क्योंकि जो क्यूलेक्स जो होता है क्यूलेक्स जो होता है ये इसकी बॉडी सरफेस जो होती है वो क्या है इसकी जो बॉडी सरफेस जो होती है वो बैठने पर वो होती है पैरालेल। क्या होती है पैरालेल होती है सरफेस के एंड जो एनाफिलीस जो होता है इसकी बॉडी सरफेस होती है फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पर तो इसका आंसर होगा बी सीटिंग पोस्चर तो सीट जो बैठने का तरीका है उनके आधार पर हम एडल्ट एडल्टूलैक्स एनोफिलिस जो मच्छर है उसको हम क्या है उसमें अंतर कर सकते हैं इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन कौर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दुआ है इन बिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड यानी कि हीमोसाइनिन पिगमेंट किस में पाया जाता है तो हीमोसाइनिन जो पिगमेंट है यह पाया जाता है मोलास्का मोलास्का जो फाइलम है उसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट जो वो पाया जाता है इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन की क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बिसाइड्स एनालिडा एंड आर्थोपोडा मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय यानी कि जो एनालिडा और आर्थोपोडा के अलावा जो मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है ऑप्शन ए है मोलास्का ऑप्शन बी क्या है क्या देखिए एंड सी क्या है कि सिस्टोडा एंड ऑप्शन डी का है कि कोर डेटा तो जो एनेलिडा और आर्थोपोडो का जो मेटामेरिज में हमको देखने मिलता है वो मिलता है हमको कोर डेटा में किसमें में कोर डेटा में इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बिच वन असिस्ट इन लोकोमोशन निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है ऑप्शन ए है ट्राइकोसिस्ट इन पैरामेशियम ऑप्शन बी क्या है कि? पेरिसल एरिया ऑफ स्टार फिश ऑप्शन सी है क्लाइटेलम इन फेरीटेमा एंड ऑप्शन डी का है कि पोस्टेर सकर इन एरिया तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी पोस्टेर सकर इन एरिया तो इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन बिच ऑफ द फॉलोइंग नोटो इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज निम्नलिखित में से जो नोटो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसमें प्रेजेंट होती है जो जितने भी जो होते हैं तो नोटो जो होते हैं वो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल कोर डेटास किसमें ऑल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिवा है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ एन एनी एनिमल्स एंड सर्टेन फिनोमिना इट इज एक्जिबिटेज तो ऑप्शन है क्या कह देगी फेरीटेमा और फेरीटेमा के लिए देखा है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज जो सेक्सुअल डायमोरफिज हमको जो देखने मिलता है ये मिलता है हमको जो राउंड वर्म जो होते हैं किसमें राउंड वर्म जो होते हैं उसके एसकेशिश में किसमें एस करेज इसमें तो ये सही मैच नहीं है यह क्या होगा रॉन्ग देन बी कहेगी मश का मश का जो है इसमें कंप्लीट मेटामोर्फोसिस होता है ये बिल्कुल राइट मिला हुआ है तो मश का बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा तो उसी क्या कैमिल्यौन और सी देख दिया कैमिलियन और कैमिलियन क्या दिया मिमिक्री ये मिमिक्री कैमिलियन जो होता है ये मिमिक्री नहीं ये करता है कैम क्या क्या करता है कैम तो कैमोफ्लेज करता है और डी क्या है कि या और टीना के लिए क्या दिया कि पोलीमोरफिज और पोलीमोरफिज हमको देखने मिलता है जो सिलेंड्रेटा जो वाला है उसके ओबिलिया में किस में ओबिलिया में तो जो ये भी क्या हो गया रॉन्ग तो इसका आंसर होगा बी मस्क का जो है इसमें कंप्लीट मेटामोरफोसिस देखने मिलती है तो इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की को ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दिवाई बाइरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडो ब्लास्ट आर दी ऑफ यानी कि जो बायरेडियल जो सिमेट्री है और उसमें नीडोब्लास्ट क्या है उसमें एबसेंट है तो ये किसकी करेक्टाइस्टिक है ऑप्शन एक क्या है कि हाइड्रिया हाइड्रा जो होता है ये पाया जाता है सिलेंडरेटा में और इसमें क्या है कि नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो गया रॉन्ग देन भी क्या है कि स्टार फिश एंड सी एनिमोन सी एनिमोन भी एक सिलेंडरेटा का क्या है एनिमल है तो ये भी इसमें भी क्या है कि नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ये भी क्या हो गया रॉन्ग देन सी क्या है कि टीनोपिलाना एंड बोरोई तो टीनोपिलाना और बोरोई जो है ये इसमें क्या है कि बाइरेडियल सीमेट्री और एज वेल इस इसमें एज वेल एज इसमें क्या है कि नीडोब्लास्ट जो क्या है वो क्या होती हैं एबसेंट तो इसका आंसर होगा सी टीनोपिलाना एंड बोरोई और ओरिल ये भी सिलेंडर का इसमें क्या पाई जाती है नीडोब्लास्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ऑर्गन पाइप कोरल इज यानी कि ऑर्गन पाइप कोरल होता है ऑप्शन ए ट्यूबीपोरा ऑप्शन बी क्या है कि एस्टेरिया ऑप्शन सी क्या है कि ऑप्शन डी क्या है कि फंजिया तो इसका आंसर होगा ट्यूबीपोरा जो ऑर्गन पाइप कोरल जो होता है वो प्रेजेंट होता है ट्यूबीपोरा में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग ए सिंगल ओपनिंग कह दिया सिंगल ओपनिंग टू दउट आउटसाइड यानी आउटसाइड की तरफ सिंगल ओपनिंग होती है डेड सरस बोथ माउथ एज वेल एज एनस जो कि बिहेव कर जो कि होती है माउथ के सामान भी कार्य करती है और एज वेल एज एन के तरह भी होती है तो ये किस में प्रेजेंट होती है इसका कौन से एनिमल्स में ऑप्शन ए क्या कि, है कि ऑक्टोपास ऑप्शन बी है एस्टेरियसिस ऑप्शन सी है एसिडिया एंड ऑप्शन डी क्या है कि फेसिकोवा तो इसका आंसर होगा डी जो फेसला जो होता है इसमें क्या है कि सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड की तरफ और माउथ जो कि माउथ एज एज वेल एज एन की तरह कार्य करती है करते इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है द कॉमन फाउंड इन सेंटिपीडी कॉकरोच एंड क्रैप आर यानी कि जो सैनिटीपीडी है और कॉकरोच है और क्रैप है इसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या है कॉमन लक्षण क्या है सामान्य लक्षण क्या है ऑप्शन ए क्या है बुक लंग्स एंड एंटीना ऑप्शन बी है कंपाउंड आइज एंड सर्की ऑप्शन सी क्या है कि जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनियस ऑप्शन डी क्या है कि ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रेकिया तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्जो स्केलेटन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी हॉस्ट ओकर्स एस यानी कि जो टीनिया जो है वो सेकेंडरी होस्ट में किस स्टेज में पहुंचता है तो ये उसकी स्टेज होती है और उसको बोलते हैं हम ऑंकोस्फोर क्या बोलते हैं ऑंकोस्फेयर इसका आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिवा है टीनिया सेजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम इन जो टीनिया सेजिनेटा है वो टीनिया सोलियम से किस प्रकार डिफर है तो

सिस्टी सर्कस इज स्टेज ऑफ यानी कि जो ब्लेडर वर्म या सिस्टी सर्कस जो रॉलवर स्टेज है वो किसमें प्रेजेंट होती है ऑप्शन ए है टैप वर्म ऑप्शन बी है राउंड वर्म एंड ऑप्शन सी क्या है कि पिन वर्म ऑप्शन डी है लिवर फ्लूक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो टेप वर्म जो है इसमें ब्लड वर्म या सिस्टी सर्कस लारवा स्टेज पाई जाती है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है व्हाट इज द ट्रू अबाउट टीन या सेजीनेटा निम्न में से जो टीन या सेजीनेटा है उसके लिए क्या सत्य है ऑप्शन ए है लाइफ हिस्ट्री हैज पिग एज ए इंटरमीडिएट होस्ट ऑप्शन बी है देयर आर टू लारो टू लार्ज सकर्स ऑन स्कूल एक्स ऑप्शन सी क्या है कि रोइ टेलर आर एब्सेंट ये बिल्कुल राइट है इसमें रोइस जो हुक्स जो होते हैं एबसेंट होते हैं so इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीन या टीन अगले कौन सा सत्य है ऑप्शन है क्या है कि मेल ऑर्गन ओकर इन पोस्टेरियर प्रोगलोटीडे एंड ऑप्शन बी है मेल ऑर्गन ऑकर इन एंटीरियर प्रोग ऑप्शन सी है फीमेल ऑर्गन ओकर इन एंटीरियर प्रोगी मैच्योर प्रोग्लोटीडैश कंटेंट बहुत मेल एंड फीमेल ऑर्गन ये बिल्कुल राइट है जो मैच्योर प्रोग जो होता है उसमें क्या है बहुत मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रजेंट होते हैं इसका आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन के और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दवा एस्केरेसिस लारवा इस जो है उसका लार्वा को हम क्या बोलते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बीब रेब, रेबिटी फॉर्म जो होता है रेबडिटी फॉर्म जो होता है ये का लार्वा होता है इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिमिलरिटी इन एस्केरेसिस लुम्ब्रिकॉइड एंड एन एन एनाफिलेस स्टेफिनेशीज यानी कि जो एस्करे लुम्ब्रिकॉइड है और एनाफिल स्टेफिनेशी जो है इसमें क्या सिमिलरिटी है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्सुअल डाइमोरफिज्म क्या होगा सेक्सुअल डाइमोरफिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाए डूरिंग द लाइफ साइकिल फैश्यला हिपेटिका यानी उसको यानी लिवर फ्लो की बात है इनफैक्ट इट्स इंटरमीडिएट हॉस्ट एंड प्राइमरी हॉस्ट एट दी फॉलोइंग रिस्ट रेस्पेक्टिवली जो इसका जो इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है उसमें रालो, लार्वर जो स्टेज होती होती है सरकेरिया एंड और जो प्राइमरी जो होस्ट होता है उसमें होता है रेडिया तो इसका आंसर होगा बी सरकेरिया एंड रेडिया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन कॉन्ट्रेस्ट टू एनालीडास दलैटिया हेलमिज जो यानी कि एनालीडा की तुलना में एनालीडा के विपरीत जो प्लेटिया हेलमिथीज है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शन ए है एबसेंस ऑफ बॉडी कैबिटी ऑप्शन बी है बाइलेट्रल सिमेट्री ऑप्शन सी क्या है कि रेडियल सिमेट्री ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ सीडोसिल्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एबसेंस ऑफ बॉडी कैबिटी जो एबसेंस ऑफ बॉडी कैबिटी वो प्लेटिया हेलमिथिस में नहीं होती है इसका आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें जो इकेडिसिस जो है इकेडिसिस इज शीडिंग ऑफ यानी कि जो इकेडिसिस जो है इसका बिखराव किस प्रकार होता है तो ऑप्शन है क्या है कि स्टर्टम कॉर्नियम ऑप्शन बी है एपिडर्मिस ऑप्शन डी सी क्या है कि डर्मिस ऑप्शन डी है स्टर्टम मेल तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टरनम जो कॉर्नियम जो है ये, ये एकडिशीसी ऑफ शीडिंग को शो करता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेटामोरफोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन जो मेटामोरफोसिस जो है होता है इंसेक्ट में वो किस हार्मोन के थ्रू क्या होता है रेगुलेट किया जाता है तो जो इकेटिशॉन्स जो हारमोन जो होता है ये रिप्रेजेंट ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट में किसमें इंसेक्ट जो है उनमें प्रेजेंट होता है और ये ही जो मेटामॉरफोसिस जो होते हैं इंसेक्ट को उसको रेगुलेट करता है इसका आंसर होगा सी इेडीशॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन की और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दो है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन से एनिमल्स हैं जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑप्शन ए क्या है कि निडेरिया निडेरिया दोनों तरह से करते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ऑप्शन बी क्या है कि पोरीफेरा भी दोनों तरह से कर सकते हैं ऑप्शन सी प्रोटोजोआ एंड जो, जो टीनोफोरा जो होते हैं टीनोफोरा या टीनो पिलाना भी इनको हम बोलते हैं तो ये जो है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर होगा डी तो ये थे एनिमल किंगडम के एनिमल किंगडम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं वो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस है वो हमने उठाए हैं तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपको इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताए ये वीडियो आपको कैसी लगी